मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी। ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिक, हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं, और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। भारत में परिवर्तन के इस कालखंड में रिफॉर्म्स के परिणामों को दुनिया देख रही है। एक के बाद एक, एक दूसरे से जुड़े हुए हम जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसको दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। और उसी का कारण है, बीते वर्ष भारत में एफडीआई में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते वर्ष भारत में एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। और इसलिए कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख ले रही हैं। ये विश्वास ऐसे ही पैदा नहीं हुआ है, ऐसे ही दुनिया मोहित नहीं हुई है। इसके लिए भारत ने अपनी नीतियों पर, भारत ने अपने लोकतंत्र पर, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद की मजबूती पर जो काम किए हैं उसने ये विश्वास जगाया है। दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है।